जय गुरु। चलिए आज हम कल यानी 26 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन में इस साल का पहला संपूर्ण चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, तो उसके बारे में जानेंगे। टोटल ग्रहण का समय है 5 घंटा 2 मिनट, आंशिक समय का फेज है 2 आवर्स 53 मिनट्स, और संपूर्ण ग्रहण का टाइमिंग है 14 मिनट। ये सुबह 2:17 में स्टार्ट होगा और शाम को 7:19 तक विजुअल रहेगा। इसका जो आंशिक ग्रहण दोपहर को 3:15 स्टार्ट होगा और शाम को 6:23 तक रहेगा, और संपूर्ण ग्रहण 4:39 अपराह्न में स्टार्ट होगा और 4:58 में ख़त्म होगा। इससे पिछला वाला जो चंद्रग्रहण हुआ था 2019 में जनवरी में हुआ था, और जो अगले वाला चंद्रग्रहण होगा वो 19 नवंबर को होगा। ये लगभग इंडिया से दिखेगा नहीं, लेकिन जो पार्शियल फेज का अंतिम समय वो पोर्शन हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया सिक्किम को छोड़ के वेस्ट बंगाल का कुछ पोर्शन कोस्टल ओडिशा अंडमान निकोबार से देख सकते हैं। पुरी और मालदा से 6:21 शाम को देख सकते हैं, वहाँ पे 2 मिनट का विजिबिलिटी रहेगा। पोर्ट ब्लेयर में 5:38 शाम को देख सकते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम 45 मिनट ड्यूरेशन तक देख सकते हैं चंद्र ग्रहण। ये ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न यूएस है, वेस्टर्न साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन से विजिबिलिटी होगा। चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन में होता है, जब सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाता है, और संपूर्ण चंद्रग्रहण होता है जब चांद पृथ्वी का अम्ब्रेला शैडो में संपूर्ण रूप से आ जाता है, और चांद का कुछ पोर्शन अम्ब्रेला शैडो में आता है, तभी पार्शियल होता है या आंशिक होता है। ये इक्लिप्स का मैग्नीट्यूड है 1.009 और पेनुम्ब्रल इक्लिप्स का मैग्नीट्यूड है 1.954। कल भी रेड ब्लड मून दिखेगा, रेड कलर जैसा है। सूतक पीरियड 9 घंटा पहले इक्लिप्स से स्टार्ट होता है या ग्रहण से स्टार्ट होता है, लेकिन यह आंशिक चंद्रग्रहण होने के कारण यहाँ पे सूतक अवधि वैध नहीं है और इसमें कोई कार्य निषिद्ध किया नहीं जाता है। यह चंद्रग्रहण वृश्चिक और अनुराधा नक्षत्र के ऊपर है, लेकिन ये ग्रहण के वजह से कुछ राशियों के ऊपर इसका खराब प्रभाव पड़ेगा। चलिए उसके बारे में देखते हैं। मिथुन राशि, चंद्रग्रहण के अशुभ प्रभाव के कारण ये राशि के लोगों का स्वास्थ्य अवस्था में खराब हो सकता है। मानसिक चिंता का सामना करना पड़ेगा, तो ये राशि के लोगों को सतर्कता अवलंबन करना पड़ेगा। सिंह राशि, ये राशि के लोगों को ये चंद्रग्रहण के खराब प्रभाव के कारण अपना प्रेम संपर्क में इफेक्ट पड़ेगा। माता पिता के साथ बात करने के टाइम में थोड़ा सतर्क होकर बात करना पड़ेगा, क्योंकि कोई सा भी मामला को लेके
झगड़ा हो सकता है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अवस्था में खराब हो सकता है। गाड़ी चलाने के टाइम में सावधानता रखना पड़ेगा। कोई से भी डिसीजन ले रहे हैं तो सोच समझ के लेना होगा। बिजनेस में क्षति होने का चांस है। वृश्चिक राशि, कार्य में बाधा आएगा। झगड़ा में फंसने का संभावना है तो सतर्कता अवलंबन करना होगा।